हैं जो खतियान और बच्चे और बच्चियाँ करें तो उससे घर में बैठ के भी जो है अपने माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं जो हम लगे हुए ना ये अस्सी हजार एक लाख रुपए में एक बार सीख जाए पढ़ना ये फार्मेसी जो है ना सिर्फ फार्मेसी बाहर जो पढ़ाई जाती है वो पाँच छह करोड़ की पड़ जाती है बिलियन का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी तकरीबन साढ़े सात सौ अरब रुपए तो साढ़े सात सौ अरब में क्या हम एक सौ अरब की कोशिश नहीं कर सकते एक कंपनी की बात कर रहा हूँ काम क्या है उसने कोई हथौड़ा थोड़ी मारना है उसने कोई जाकर वहाँ पर पत्थर थोड़ी लगाने घर में बैठ के कंप्यूटर पे लिखना ही है ना एडवाइस ही देनी है मशवरा ही देना है तो ये आप जो बात बता रहे हैं लिखने वाली मेरे खाली पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान तो तो समझ में समझते हैं अमेजोन से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं पता रेबोटिक दौर है ना अब आपको सर्जरी हाथ से थोड़ी करवानी है अब आपको डायग्नोसिस हाथ से थोड़ी करवाना है आपने सर्जर सोप लगा के थोड़ी सी चेक करना है अब तो हमें सब आवाज़ आ रही है चीज़ें मिली हुई हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई है अब हमें थोड़ी उठाना है और अक्से करना है बस इन्होंने वैसे ही कर लेनी है तो अब तो डाटा वेटा सब आ रहा है कनेक्ट होता जा रहा है हम तो पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं हमें तो आइंदा दिनों में ये भी पता होगा कि ये ड्रग टैबलेट आपको दी थी वो पेट में किस हिस्से में है ब्लड में कितनी पहुंची कितनी नहीं पहुंची जो पहुंची उसने कितना काम किया कितना काम नहीं किया आप पैसा कमाने से पहले इम्पेक्ट करना सोचें सोचें अगर बारह बिलियन का ये इम्पैक्ट है यूनिट है बारह सौ बिलियन तो उसमें हम कितना इम्पेक्ट कर सकते हैं वन टू पॉइंट वन पॉइंट डबल ज़ीरो वन पॉइंट ट्रपल जीरो वन हमारा ज़ाती इसमें इम्पेक्ट कितना होगा उसकी तरफ तोज्जा दें और शैतम बस्मिल आज हमारे यूट्यूब चैनल का जो पहला इंटरव्यू है पहले इंटरव्यू के लिए जो है हमने डॉक्टर उबैद बैदली का जो है वो इनका इंतब किया क्योंकि डॉक्टर उबैद अली जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है ख़ास पर दवासाजी के हवाले से पाकिस्तान में जो है इनसे बड़ा कोई जो है वो नाम मौजूद नहीं है जहाँ दवा की बात आती है वहाँ डॉक्टर उबैद अली की बात आती है हमने आज उबैद भाई को जो जिससे बातचीत के लिए दावत दी उसका एक ख़ास मौजूद जो है ये पाकिस्तान के उन चंद अफ़राद में हैं जो जिन्होंने सालों से अपना इतवार का दिन जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्त किया हुआ है दुनिया अपनी पढ़ाई छुट्टी के दिन को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करती है लेकिन उबैद भाई जो है वो इतवार और छुट्टी का जो भी दिन होता है वो बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं और इल मुंत करते हैं इनकी दुनिया भर में जो मेडिकल साइंस के हवाले से जो इलूम है नसाब है जो टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है उस पर इनका गैर मामूली जो है वो इनको जो है वो अबूर है तो हमने आज इनको इसीलिए दावत दी कि हम इनसे सीख सकें कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मेडिकल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए पहली बात दूसरी बात ये कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेडिकल साइंस में वो उनके कार आमद नहीं आ रहा किसी काम नहीं आ रहा प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं आ रहा जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे जो है वो डिग्रियां लेके निकल रहे हैं लेकिन नौकरी नौकरी जो है उनको नहीं मिलती इसी तरह बहुत सारे अफराद ख़ासतौर पर खुवान ऐसी हैं जिन्होंने एम बी बी एस और डी फॉम माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी में जो है वो मास्टर की डिग्रियाँ ले ली हैं लेकिन वो अब घर में बैठी हैं अब वह कुछ करना चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए तो ये इस हवाले से हमने उबैद भाई को दा, आज दावत दी कि वो आएँ और हमसे जो है बात करें तो डॉक्टर उबैद भाई कैसे हैं खरीद से जी सालिक बहुत शुक्रिया फैसल भाई फ़िल भाई आपसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन है उसका मैार क्या है और वो जिस मैार की है क्या वो बैन अवी सतह पर वो बच्चे उसका मुकाबला कर सकते हैं और पाकिस्तान में और दुनिया में जो मेडिकल एजुकेशन है उस एजुकेशन में और पाकिस्तान में जो मेडिकल एजुकेशन है इसमें क्या फ़र्क है अच्छा जो बहुत शुक्रिया मेडिकल एजुकेशन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं एक एजुकेशन है एहतियाती एजुकेशन है यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेस की एक है हेल्थ साइंसेस की एक आप कह लीजिए ये मेडिकल साइंसेस की तो मेडिकल साइंसेस की एक बड़ी लगेसी है आपकी डॉ मेडिकल कॉलेज की किंग एडवर्ड की और यहाँ के निकले हुए ग्रेजुएट्स की पूरी दुनिया में एक बड़ी मांग है और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है अब जो दुनिया जिस तरह इमर्ज हुई है जिस तरह दुनिया इवॉल्व होती जा रही है टेक्नोलॉजी जिस तरह इंटरफेयर कर रही है और जितना एक्सेस कर रही है उस लिहाज से हमारी जो स्पीड है और जो हमारे जो इंटेंशंस हैं वो ख्याल वो ख्वाब उनके साथ मैच नहीं कर रहे और इस बात का कवी ख़शा है कि आने वाले दिनों में हमारे जो तबी साइंसेस हैं यानी कि मेडिकल साइंसेस इसमें यहाँ की मेडिकल साइंसेस में और बाहर के मेडिकल साइंसेस में अच्छा खासा खला पैदा हो जाएगा जहाँ तक बात है साइंसेस का और हेल्थ साइंसेस का वहाँ पहले भी खला मौजूद था बायोलॉजिकल साइंस जी बायोलॉजिकल साइंसेस हो या हेल्थ साइंसेस हो सेहत की हो। उसमें पहले भी खला मौजूद था अब वो वक्त गुजरने के साथ और बढ़ता जा रहा है बहुत स्पेसिफिक बताएं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उनको कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए हमारे बहुत स्पेसिफिक इस तरह हमारी चाहे फार्मेसी हो चाहे वो हेल्थ हो चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो चाहे मेडिकल साइंस हो वो डेटा साइंस के बगैर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगाही के बगैर आगे नहीं रह सकती ये डेटा साइंस का दौर है हर जगह सेंसर लगे हुए हैं मालूम सामने आ रही हैं मालूम के लिए हमें डेटा चाहिए डेटा को रिलायबल बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए एज ए आप एडवाइज़र एज ए टीचर के आप क्या उनको गाइड करेंगे कि वो ऑनलाइन जो है वो पैसे कमा सकें क्योंकि पाकिस्तान में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन लोग ऐसे डिग्रियां ले दे चुके हैं और बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे डी फॉर्म वाले जो है वो प्राइवेट इदारों में आम इधारों में जो है वो मार्केटिंग की नौकरी कर रहे हैं या वो प्रोडक्शन में नहीं आ पाए तो उनको आप क्या देंगे अपने माशी हालत बेहतर कौन सी डिग्री तालीम हासिल करें ऑनलाइन आप जानते हैं कि मैं फार्मसी किया हुआ है मुझे दस साल से वो घर बैठे हो गया मैं लगता है मैं फार्मीसी भूल गया नहीं आप इतम कीजिए आपके पास डिग्री मौजूद है आप ये देखिए कि जो डिग्री आपके पास मौजूद है आप क्या कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर एक ड्रग की डिस्कवरी से लेकर मरीज तक पहुँचने तक हज़ारों मराल मौजूद हैं हर मराहल के अंदर दर्जनों कॉम्पोनेंट मौजूद हैं कोई एक कॉम्पोनेंट पकड़ लीजिए उसके ऊपर मुख्त मुकम्मल अबूर हासिल कर लीजिए एक दवा से बनने से लेकर मरीज़ तक पहुँचने पर और पहुँचने के बाद उसके असरा का मताल करने पर हज़ारों फैसल भाई जगह मौजूद है ये एक दो रुपये की मार्केट नहीं है तो बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है इसमें पूरा ये समंदर है अपने हिस्से का आप काम निकालिए ढूँढिये पढ़िए और कमाइए भी और दुनिया में अपना शाकतदारी भी कीजिए तो कोई आप उनको एडवाइस क्या करेंगे कि वो जो एक आम आदमी दस साल से खातून है खुवा है जिन्होंने डिग्रियाँ ली भी हैं उनकी शादी हो गई वो कोई काम नहीं कर सकी लेकिन उनके पास डिग्री है अब वो अपने अपने आप को अपडेट कैसे करें देखिए हर मरल पे ना आ, आप किसी भी स्टेज के ऊपर हैं फर्स्ट करने का आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता सिर्फ फारंसी की डिग्री है अब आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो अंग्रेज़ी जो का जो मामला लिखा हुआ है उसको उठाकर आप फ्री फ्रेस कर सकते हैं समरी बना सकते हैं या समरी है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो आप वहाँ तक काम पर जाइए आस्ता आसा आगे बढ़ाइए नजर रखिए पड़ोस के मुल्क के ऊपर जिसको मैं बार बार फोकस करता हूँ कि कोविड को उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया देखिए अफरा तफरी जब भी आती है वो बहुत सारे फ़ायदे लेकर आती है वैसे अगर आप नॉर्मल स्पीड में मैराथन में दौड़ेंगे ना जिस तरह तो दुनिया दौड़ रही है तो जितना ट्रेन हो चुकी है जितना इक्वट हो चुकी है शायद हम उनको कम्पीट ना कर सकें लेकिन जब भी अफरा तफरी का सामान गर्म होता है उस अफरा तफरी में हमें जगहें मिलती हैं आप देखिए इन्होंने जंप लिया है पड़ोस के ममालिक ने अगर वो पहले मैं कहूँ कि दुनिया भर में हर पैदा होने वाले बच्चे अगर सौ बच्चे पैदा हो रहे हैं पचास बच्चों को जो दवा लग रही थी वो वहाँ की बनी हुई थी तो पैंसठ को लग रही है तो यही मौका था कोविड बहुत बड़ा मौका था जिस वक्त आपको सीखना चाहिए था कि हम क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अभी भी जो पोस्ट कोविड जो सिनेरियो है उसमें नफसियात का सिनेरियो है पैथोलॉजी का सिनेरियो है फिजियोलॉजी का सिनेरियो है फार्माकोलॉजी का सिनेरियो है फार्मास्यूटिक्स का है बायोलॉजिकल साइंसेस का है हर की और हर के अंदर ब्रांचेस दर ब्रांचेस है उसमें अपने हिस्से का काम पकड़ कर दुनिया में तो मेरे जाने मैं एक आम आदमी हूँ मैं इतना वेल अवेयर नहीं हूँ मैं इतना इंटरनेट इस्तेमाल मेरा इतना विजन नहीं है लेकिन एक बार डिग्री है और ख्वाहिश से जुस्तजु है तो मुझे क्या करना चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए आपको लिखना आना चाहिए होगा लिखना सीखना पड़ेगा आपने जो कुछ ऑब्जर्व किया अपनी फैमिली में अपने सराउंडिंग में उसको आपने लिखा और लिखने के बाद उन लोगों तक ढूंढा वो इंटरनेट पर अवेलेबल है कौन लोग आपके लिखे हुए से इंटरेस्ट रखते हैं आपने अपने लिखा हुआ तक पहुँचाना है उन्होंने आपको असाइनमेंट देना है कि भाई हमारे लिए इतना और लिख दीजिए आपने उसे तय करना है जब जैसे जैसे आप प्रोफेसर को और आसान कर लेते हैं जैसे लिखने की आपने बात की तो ये मेडिकल राइटिंग लिखना कोई आसान काम नहीं है तो ये जो मेडिकल बुनियादों पे कोई तहरीर लिखने के लिए वो लर्निंग कैसे करेंगे क्योंकि तो हमारे तालीमी इदारा में तो चीज़ नहीं सिखाई जाती तो वो बच्चा उसके लिए ऑनलाइन को कोर्सेज हैं फैसले ऑनलाइन कोर्सेज भी भरे हुए हैं सबसे अहम बात लोग पहले अपने आपको ब्लैंक कर लें जितना पिछला लगेज है ना डिग्री लेने के लिए उसको भूल जाए उसके बाद आप ढूंढ लीजिए कौन से लोग हैं जो इस मौजूद के ऊपर कामयाब हैं एक बात अब इस बात वो लोग कैसे तलाश किए जाए आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में ये लोग हैं इनके काम को दुनिया भर में जगह हम और ये। इसको आसान कर देते हैं गूगल पे क्या लिखें पोस्ट कोविड स्टडीज आप लिख सकते हैं पोस्ट कोविड बिहेवियर स्टडीज पोस्ट कोविड पैथोलॉजिकल स्टडीज फिजियोलॉजिकल स्टडीज एपिडेमियोलॉजी ऑफ ऑफ द ड्रग्स किसी भी ड्रग का नाम लिख कर लेके चलते हैं एक बच्चों ने बच्चियों ने लिख दिया इसके बाद अगला स्टेप क्या हो अगला स्टेप उन्होंने देखा फर्स्ट कर उन्होंने देखा कि दुनिया भर में दवाएँ इस्तेमाल हुई मुख्तलिफ पोस्कॉप आपने जोग्राफी बुनियादों पर आबादी के तनासब की बुनियादों पर आइडेंटिफाई किया कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हुई अब जहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हुई है वहाँ पर आप दूसरे जो इसके इफेक्ट हैं इफेक्ट मतलब उसकी स्टडीज ढूंढेंगे वो इफेक्ट निकाल लेंगे आप आपके पास एक कॉज आपने तय किया है एक आपके पास इफेक्ट्स की निशानी शुरू हो गई फिर अभी देखेंगे ये जो आपने कॉज तय किया था और इस इफेक्ट के साथ क्या ये रिलेट कर रहा है तो एक और उसको हम चूँकि हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर हैं गूगल पे तलाश करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होता सीखना पड़ेगा कुछ मैं सुपरविज़न चाहिए होगा शुरू में आपको सुपरविज़न किस तरह हासिल करें कि वो स्टडीज़ तक सही प्रॉपर स्टडीज तक वो स्टडीज मुस्तंद है या नहीं है उस तक कैसे पहुँचें देखिए जो जो मेरा तजुर्बा है वो ये कि जहाँ जिन लोगों के पेट में बहुत कुछ होता है वो बहुत आसानी से दस्तियाब होते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी भाई दुनिया भर में मौजूद हैं और भरपूर काम कर रहे हैं मुसलमान नाम से मौजूद हैं उनको सर्च किया जाए उनसे बात की जाए दस को खत्म लिखेंगे तो नौ तो राजी नहीं होंगे एक जरूर राजी हो जाएगा आपको हफ्ते में एक बार ट्यूशन देने का एक बार बताने का सिखाने तो ये तरीका सिखाना ये आपने नहीं नहीं बात बताई तो जो ऑनलाइन जो लोग सिखाने वाले हैं उनको सर्च करने के लिए क्या लिखे मसल बिल्कुल एक आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं तो आपको हम बहुत आसान से आसान करके लिखे करके मैं फारसी में उन्नीस सौ तिरानवे के बैच का फारसीस और मैं उसके बाद से घर में किसी भी वजह से बात नहीं कर सका अब हमने देखना है तिरानवे के बैच में और कितने मेरे कलीग्स थे पाँच दस् थे हर ग्रुप क्लास ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है उसमें यकीनन पाँच छः लोग ऐसे मिलेंगे जो दुनिया में इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे होंगे सही अच्छा वो हो सकता है कि वो हमारा जो कल्चर मशरी कल्चर है तो वो शायद जवाब ना दें लेकिन उनके आप जब साइट पर जाते हैं उनके लिंकड प्रोफाइल पर जाते हैं तो उसमें कुछ और लोग भी मिल जाते हैं वो फॉरनर्स हैं उसमें पाकिस्तानी भी हैं उसमें अंग्रेज़ भी हैं उसमें दूसरे मजाइब अलग भी आपने तो एक ही बार एक अपना ड्राफ्ट करना है खत और वो खत अपनी जो भी आपने काम किया उसके साथ भेज दे रहे और उस खत में क्या लिखे उस खत में लिखे मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ ये मैंने कोशिश की है सब कुछ मांगे नहीं पहले अपना एफर्ट्स दिखाएं कि मैंने कितना टाइम लगाया तो ये बात आप आप कोई डिमांड नहीं करें अपना बताएं कि आप कौन तो फिर वो जब आप बताएंगे मैंने इतनी कोशिश की मैंने ये किया अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर देंगे तो मैं मेहरबानी होगी तो ज्यादा ये कहेगा कि मैं रिस्पॉन् लूंगा या रोड लूंगा लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आदमी जो है वो मार्केट में इसकी इतनी वर्थ है इसके लिखे हुए के पीछे लोग भागते हैं उसके बाद अगला स्टेप क्या उसके बाद वो देखिए दुनिया जो है ना वो बलियों की दुनिया है मजमूरी तौर पर क्या ऐसे दुनिया में जो लोग हैं पाकिस्तानियों को तलाश करते हैं मार्केट में काम मौजूद है वो दुनिया सर दुनिया बिल्कुल जिस तरह गिद ढूंढता है ना इस तरह दुनिया ढूंढती है अपने ओके वो वो जो दुनिया ढूंढती है वो ढूंढने का क्या तरीके कार का अख्तियार करती है दुनिया ने लिड इन प्रोफाइल और फेसबुक या सोशल मीडिया उस पर आपका लिखा हुआ जो मवाद है किसी पर भी आपने कभी कोई तबसरा किया है उसको वो वे करते हैं वो वेट करते हैं अच्छा लिंकन जो है बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है प्रुफेस्टर्स हर, प्रुफेस्टर्स हर हर आदमी को लिंक स्टूडेंट को आदमी बनाना चाहिए बनाना चाहिए और एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें कोई जंग ना डालें ये मेरा क्योंकि क्यों तो आपका एक मैं एक, एक सवाल जो लिंक का जो प्रोफाइल बनाए जो पेज बनाए अपना जो अपना अकाउंट बनाए उसमें किन किन बातों का ख्याल रखें सबसे एक बात कि आपके जो अगर आप जिनको दोस्त बना रहे हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वो कार मतलब लोग हों आपके मौजू से ताल्लुक रखते हो आपके मौजू के महविर में हों ये नहीं है कि मौजूद कुछ और है और महफे कुछ और चला गया दूसरी बात ये कि आप उन चीज़ों को पोस्ट डाकिया ना बने किधर से चीज़ आई आगे बढ़ा दी अगर आगे बढ़ाना भी है कोई चीज़ को तो अपना तबसरा लिख के बढ़ाएं दस पेज का अगर डॉक्यूमेंट आप आगे बढ़ा रहे हैं तो दस पेज को पहले पढ़कर खुद अबूल हासिल कर लें उस पर आप चार लाइन लिख सकें फिर तो आप पेज आगे बढ़ाएँ अगर आप वैसे आगे बढ़ाएंगे तो पहले दानिश की नज़र में जो है वो अपना वर्त आप खो देते हैं चल ये हो गया अब वो बाहर का आदमी कैसे तलाश करते हैं उनको पाकिस्तान वालों को वो जो बाहर के आदमी बिजनेस देने को तैयार है तो वो पाकिस्तानियों में कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए और किस तरह तक पहुँचना चाहिए देखिए फैसल भाई फर्स्ट करें आप एक लम्हे के लिए अर्ज़ करें कि मैं 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 बाहर हूँ मुझे इससे कोई गर्स नहीं है कि बंदा मेरे न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है या वो ऑटवा में बैठा हुआ है या वो लियाबाद में बैठा हुआ है मुझे तो सिर्फ इस वक्त मौजूद हुआ कि रिस्क असेस करना है इस दवा का अब मैंने देखा है रिस्क असेस करने की इस दवा के ऊपर नईम साहब जो है लांडी से वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो मैंने उनके लिखे हुए को पढ़ रहा हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ी बंदे की जिससे मैं काम दूँ मैं जाके नईम साहब को बहुत डिटेल में पढ़ूँगा उनका जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नजर आएगा उस कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर मैं आपकी बात नईम साहब को अपना लिखा हुआ कहाँ डालना चाहिए लिंगडन पर है या जो भी जहाँ कहीं पर भी डाल रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत एहतियात भी करें लिख में लेकिन बड़ा वो वही लिखे जो आता है देखिए झूठ आजकल नहीं चल सकता कट पेस नहीं चल सकता और कट पेस में अगर कॉमा फुल स्टॉप चेंज करके भी लिख रहे हैं ना तो जो जिसका मौजू है उसको समझता है वो अच्छी तरह कि आपने कहाँ से लिया है आ, वो वो समझ में आ जाता है और इतना लिखें भले वो कितना कमज़ोर क्यों ना हो अपनी दिलचस्पी अपनी कंटिन्यूटी अपनी थर्स्ट अपनी हंगर वो दूसरे के सामने अगर आ जाए तो वो देखेगा कि इसका पैशन है जिनका पैशन है वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं कंसिस्टेंटली काम करते हैं उसको लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं अच्छा ये बताया वैद भाई कि ये जो आम आदमी है या जिनको पुराने लोग हो गए एम कर रहे हैं डी फॉर्म कर रहे हैं एक स्टडी बहुत करना एक हर किसी के लिए ज़रूरी है लेकिन क्या पढ़ना चाहिए लोगों को ये नहीं पता होता वो बेहंगम अंदाज़ में चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत स्पेसिफिक प्रोफेशनल एडवाइस देंगे कि लोगों को क्या चीज़ पढ़नी चाहिए कौन से जर्नल हैं कौन से मेडिकल की किताबें हैं और वो कहाँ से मिलेंगी और कितना पे कम से कम रोज़ पढ़ना चाहिए तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो तहमु से बैठें आज़ाद होकर अपने ख्याल को एक सवाल का जवाब दें क्या वो वाकई चाहते हैं कि वो दुनिया में कंट्रीब्यूट करें पहले इस सवाल का जवाब सोचें खुद क्या वो वाकई समझते हैं कि जो मौजूद वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें उनकी दिलचस्पी वाकई उनकी दिलचस्पी है या उन्होंने एक्वायर की है और एक्वायर किए तो ये वजूवा क्या है तीसरी वो एक और बात को ज़रा गौर से देखें कि वो ये समझते हैं कि उनके पास जो इस मामले को आगे लेके चलने के लिए बुनियादी औज़ार चाहिए थे या बुनियादी सुपरविज़न चाहिए थी वो यहाँ पर दस्तियाब है उनको मिल जाएगी अगर तीनों बातें ये आपके साथ हैं तो उस मौजू को क कैच करें क्योंकि वक्त बहुत कम है उस मौजू को क कैच करें उस मौजू पर काम करना शुरू करें अच्छा हिम्मत बिल्कुल नहीं हारने दुनिया में लोगों ने प्रोग्रेस ऐसे ही किया बिलियन का हो चुका है, कितने बिलियन मैं एग्जैक्टली तो रिसर्च करनी अंदाजा लगा सकता लेकिन ये तो बारह बिलियन डॉलर का मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है यकीन ये सारी मार्केट जो बेस करती है आर एन डी पे बेस करती है और रिसर्च के अलावा जो पोस्ट मार्केट है उसमें भी तो ये बारह बिलियन में अगर फर्स्ट कर लीजिए पाँच बिलियन कॉस्ट अगर आ रही है तो उस कॉस्ट में आप अपना हिस्सा निकालें तो आप पाँच सौ बिलियन का जो कॉस्ट आ रही है इस पूरी मार्केट को चलाने के लिए उसमें आप हाँ अपना हिस्सा भी निकालें लेकिन जो इशू है वो ये कि आप पैसा कमाने से पहले इम्पेक्ट करना सोचें सोचें अगर बारह सौ बिलियन का ये इम्पैक्ट है यूनिट है बारह सौ बिलियन तो उसमें हम कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं वन टू पॉइंट वन पॉइंट डबल जीरो वन पॉइंट ट्रिपल जीरो वन हमारा ज़ाती इसमें इम्पेक्ट कितना होगा उसकी तरफ तवज्जा दें पैसा पीछे भागेगा देखिए ये ऐसी फील्ड है हमारी साइंस की फील्ड और बायलॉजी की फील्ड मसान बात दफा लोग मुझसे कहते हैं ना कि आपको फार्मसेस होने पर फख्र है मैं पूछता हूँ कि देखें ये फखर होने वाली बात जो है वो बड़ी परेशान कौन है इससे आदमी खो देता है एनर्जी खो देता है लेकिन अगर मुझसे कोई नेक नियती से पूछे तो मैं बहुत तहमुल से कह सकता हूँ कि अगर मुझे कभी को दोबारा कोई चॉइस करना पड़ा इस सफ़र तो पहले एहतियात वैसे पढ़ लिया था हमने बाय चांस तो मगर मैं इंत अद्विया साइंस का ही करूँगा क्योंकि इसके अंदर पूरी साइंस छुपी हुई है तो लोगों को अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट क्या कर सकता तो हूँ मसलन मेरी मैंने मालूम की हैं या मुझे पता लगा है फ़ला दवा खाने से ज़बान खुश्क हो जाती है तो मैं ये रिपोर्ट कर दूँ तो आप रिपोर्ट कर दीजिए आपने देखा है फ़ला दवा खाने वाले की टांग की हड्डी टूट गई थी फ़ला दवा जो दवा नहीं खा रहा था वो भी गिरा था उसे टांग की हड्डी नहीं टूटी थी आप रिपोर्ट कर दीजिए अपने मुशाहात को कलमबंद कीजिए कॉज और इफेक्ट को जोड़ने का मरल दूसरे स्टेप में आए ठीक है और ये सब मौजूद है यहाँ पर आप कोई ऐसे ऑनलाइन एडवाइस करेंगे? जी जो जो ऑनलाइन फ्री, फ्री कोर्सेज अवेलेबल नाम के साथ आप और कहाँ से कौन सी वेबसाइट से मिल देखें, करवा रहा है, ये फ्री करवा है. रहे हैं बहुत से फ्री भी करवा रहे हैं अगर देखिए एक तो कोर्स आपने फ्री नहीं भी करवा रहे हैं फ्री अवेलेबल है बहुत सारे आप सर्टिफिकेट हासिल करने के चक्कर में ना पड़े फर्स्ट करेंगे पैसा बारह तो सौ डॉलर भाग रहा है आपके पास नहीं है

हमारी मैनुफैक्चरिंग में भरे हुए कोर्सेज हैं रिस्क के हैं चेंज मैनेजमेंट के हैं डिविजन मैनेजमेंट के हैं सप्लायर क्वालिफिकेशन का कोर्स है गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस का है कोड स्टोरेज का है मशीन मेंटेनेंस का है प्रिवेंशन प्रोग्राम का है वैलिडेशन का है क्वालिफिकेशन का है सारे कोर्सेज अवेलेबल है ये यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती हैं और यूट्यूब पर भी मौजूद है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती बाहर की ऑफर करती है और ये भी मौजूद है जी जी बिल्कुल अच्छा एक

और अगर आप रियल टाइम देखेंगे अमेरिका के अंदर जो गवर्नमेंट की अपनी मीटिंग्स होती हैं वो बारह बारह घंटे की मीटिंग इवन दो दो दिन की मीटिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं वो कोई भी जाकर उस पर देख सकता है लेकिन जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट पढ़ने में टाइम लगेगा तो कंटेंट पूरा पढ़े आ, ए, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ फैसल भाई हमारे पास हम जो में पढ़ते हैं एक गाइडिंग की किताब है फिजियोलॉजी की हमारी किताब है टूटोरियल फार्मसी किताब है हमारी किताब है रेमिनटन जो हम बाइबल ऑफ फार्मसी कहते हैं मैं बिल्कुल क्योंकि एज ए उस्ताद बहुत से जगहों पर जाता हूँ हर जगह हाथ उठवाता हूँ कितने लोगों ने रेमिटन पूरा पढ़ा है तो हंड्रेड परसेंट लोग वो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ा तो चैप्टर जो रेमिटन के हैं जो हमारी बाइबल है वो हमने वो भी पूरा नहीं पढ़ा अपनी पूरी फार्मेसी मुकम्मल कर है उसके बाद पच्चीस साल मुकम्मल आप उनको फार्मेसी के बोलेंगे पहले वो किताब पढ़े आप मैं मैं, मैं तो वो किताब का वक्त गुजर गया अब तो आप निकल कर आ गए और उम्र गुजर गई अब जिस मौजू पर जा रहे हैं उस मौजू का एक एक लफ्ज़ सही से पढ़ें सही से समझें वो लोग जो समझ में नहीं आता है वो समझ ही लेते हैं जो हम समझ रहे हैं वो सही है उसके आप एक्सपर्ट ढूंढ लें तरह गालिब की शायरी है ना उसमें आप अपने मतलब से मर्जी से मतलब नहीं निकाल सकते तो इस तरीके से उसका एक्सपर्ट ढूंढ लें उसके पास जाए वो आपको समझाएगा कि इसका मतलब क्या है फिर इंटरप्रेशन सही होगी वरना आप डिटैक हो जाएंगे अच्छा ये जो आप कोर्सेज बता रहे है, ये वो कोर्से हैं वो कोर्सेज हैं अगर जो खातन और बच्चे और बच्चियाँ करें तो इससे घर में बैठ के भी जो है अपने माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं ऑनलाइन जो है इस वक्त दुनिया में ऑनलाइन जी जी इससे आसान कोर्सेज हैं मसलन नाम बताए मसान मैं कहता हूँ कि के जो घर में खौत बैठी हुई हैं वो लिखना सीख लें कि हम कैसे लिखते हैं ये लिखना कहाँ से सीखें देखिए आपने पांच पॉलिसी लिखेंगे ना जो लोग पांच अफसाने पढ़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जो राइटिंग राइटिंग मेडिकल की स्किल को बढ़ाते हो वो वो इस तरह का बाकायदा ऑर्गेनाइज कोई जगह तो नहीं है लेकिन ये जरूर है कि वो लिखने के के जो टूल टूल्स मौजूद हैं लिखने की रहनुमा असूल मौजूद हैं लिखे हुए कई कहानियाँ फर्स्ट कहने के आपने अफसाना लिखना है पाँच अफसाने पढ़ने की तो आना चाहिए तो पांच प्रोसीजर पढ़ लीजिए पांच पॉलिसी पढ़ लीजिए फिर आप देखिए पांच अमेरिका की पॉलिसी ये है बरतानिया की पॉलिसी ये है फ्रांस की पॉलिसी ये है तो मैं आज पाकिस्तान के लिए पॉलिसी लिख देती हूँ आपने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी लिखा होगा मैंने पाकिस्तान को भेज दिया कोई बात नहीं वो छपे ना छपे पैसा मिले या ना मिले बट यू हैव अर्न यू ए क्रेडिट ऑफ राइटिंग अब ये जो आपने लिखा है ये कल आपके सी वी में इजाफा करेगा कल आपके अंदर एनर्जी में इजाफा करेगा कल जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे डायलॉग में बैठेंगे तो वो आपको बहुत जगह मिल जाएगी जैसे लिखना सीख लिया अब क्या करें अब जब लिखना सीख लेंगे तो फिर अग्नि बताएंगे मैं आपके लिए लिख सकता हूँ मसल कर लीजिए कि अफगानिस्तान में एक अस्पताल है मैं यहाँ से बैठ के कहता हूँ नहीं ये तो डेटा कलेक्शन में आती है ये ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस में आती है आप अस्पताल के मालिक हैं आपको अपने अस्पताल में दवाओं की जो शेल्फ लाइफ है उसकी पॉलिसी लिखनी है कि शेल्फ लाइफ कंट्रोल रहे अब आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी लिखवाना चाहते हैं आपको लोग नहीं मिल रहे चूंकि आप अफगानिस्तान में या अमेरिका में अमेरिका में मिल रहे हैं तो एक हज़ार डॉलर मांग रहे हैं अफगानिस्तान में जो है वो इस काबिल नहीं है तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लोग पाकिस्तान में तो अच्छा हर दुनिया में अस... इसका कितना बजट है सर हर अस्पताल हर रिसर्च इंस्टीट्यूट हर आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये सिर्फ कागजों पर चलती है कागज इतने चाहिए होते हैं हर बात बात पर हमें पॉलिसी लिखनी है बाकी आपने बहुत अहम नुकता बताया कि दुनिया जो है वो रिसर्च पे उसके लिए कागज की जरूरत है सबूत तो लिखने वाले बंदे चाहिए सब तो लिखने वाली एक दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है इसी जिसका, की मार्केट जिसका है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि लिखना हम कि तो ये आप जो बात बता रहे लिखने वाली मेरा खाली पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है रास्ता ही नहीं पता तो, ये जो इस तो दुनिया की मार्केट का हजम कितना है अरबो रुपये की पाकिस्तान की जीरो मैं आपको एक कंपनी में साध देता हूँ जेनेवा बेस्ट कंपनी है उसका सिर्फ कंसल्टिंग का जो बजट है वो थ्री बिलियन यूएस डॉलर का है थ्री बिलियन डॉलर का तो थ्री बिलियन यूसर का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी तकरीबन साढ़े सात सौ अरब रुपए तो साढ़े सात सौ अरब में क्या हम एक सौ अरब की कोशिश नहीं कर सकते आप... एक कंपनी की बात कर रहा हूँ काम क्या है उसने कोई हथौड़ा थोड़ी मारना है उसने कोई जाकर वहाँ पर पत्थर थोड़ी लगाने घर में बैठ के कंप्यूटर पर लिखना ही है ना एडवाइस ही देनी है मशवरा ही देना है और आपको उनके जो उस मसाइल उसको सॉल्व ही करना है ना वो तो लिख के दे देंगे जी हमारे ये जो कंपनियाँ हैं और जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं या यादारे हैं या कारोबारी इधारे हैं जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी जो ऐसे लोग हैं इनकी सलाहियत है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है सलाहियत है लेकिन उस तक रसाई नहीं है उन कंपनियों तक उसके लिए उनको क्या करना चाहिए एक बात और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा पाकिस्तान में प्रोफेशनल इदारा है कि जो दोनों के दरमियान जो है वो कॉर्डिनेशन करे जैसे लोग हैं सबसे पहले एक बात में बड़ी क्लियर करूँ पाकिस्तान में नॉलेज जो है ना वो बड़ी महदूद है अहलीत ज़रूर है नॉलेज हासिल करने की मगर नॉलेज बड़ी महदूद है और ख़तरनाक बात यह है कि हमारे पास फेक नॉलेज है हमारे जो लोग इंटरप्रेन्योर हैं या जो की लीडिंग रोल पर जो बैठे हैं जो आप देखेंगे ना तो हमें तो इतने अवार्ड मिलते हैं जितने अमेरिका और यूके में मिला के नहीं मिलते फार्मेसी के ऊपर भी लेकिन जब उसका आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ज़ीरो पर आएगा कंट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं है दुनिया में इस वक्त आप फैसल भाई फर्स्ट कर लीजिए कि एक हज़ार ड्रग है सपोज़ हर ड्रग का साइड इफेक्ट है हर दवा में एडवर्स इफेक्ट है हर दवा में अलामतें हैं क्या खानी है हर दवा में वार्निंग है हर दवा में इंट्रैक्शन हैं हर दवा में डोजेज हैं तो ये अगर एक दवा में दस दस भी मिला लीजिए तो पचास होती है तो एक हज़ार का पचास मिला लीजिए तो पचास हज़ार होती है पचास हज़ार में हमारा एक भी नहीं है हमने एक इंडिकेशन दुनिया को नहीं बताई कि भाई ये वाली दवा इसमें भी इस्तेमाल हो सकती है हमने एक वार्निंग नहीं बताई कि इस दवा से ये ख़तरनाक हो सकता है जबकि हम मुस्तकिल खा रहे हैं हम मुस्तकिल देख रहे हैं उसके साइड इफेक्ट हम मुस्तकिल देख रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट हम मुस्तकिल देख रहे हैं उसके फ़ायदे हम मुस्तकिल देख रहे हैं उसके नुसान लेकिन हम उसको तरतीब से लिख नहीं पा रहे

हमारे जिसने फार्मेसी के हमारी फार्मेसी की जो लॉट है या मेडिकल की जो लॉट है या बायोलॉजिकल साइंसिस की जो लॉट है वो सब चली गई है मार्केटिंग में देखिए मार्केटिंग को उर्दू में बाजार ही कहते हैं और बाजार की जो लिमिट है ना वो कोई भी नहीं रही है हमारे बाजार का मतलब क्या है दवा लो और बेचो अच्छा दवा ख़रीदने बेचने में कोई साइंस नहीं लगी हुई वो एक समाज बना हुआ है जिसमें पैसे दो और बेचो अच्छा अब पूरी जो आपकी बेहतरीन लॉट थी वो दवा बेचने और ख़रीदने में लग गई जो आपके सेकंड ग्रेड के जो लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग में चले गए अच्छा उन्होंने उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें चलता हुआ देख रहा हूँ भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है दुनिया में ये बहुत पीछे चला गया अच्छा ख्याल में लिखने वाला जो आदमी होता है उसकी कैसे? उसकी हैसियत जो हैसियत है वो मैनुफेक्चरिंग की ऑपरेशनल लोगों से ज्यादा होती है कई 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 ज्यादा कोई मामूली फर्क नहीं है कई सौ उनकी मार्केटिंग वालों से भी ज्यादा होती है लोगों से भी ज्यादा होती है मतलब असल आदमी वो जो लिखना जानते हैं जो लिखना जानता है जो नक्शे तय करता है कि आपने कैसे आगे तो अब आप बहुत स्पेसिफिक आपसे सवाल है कि इस वक्त आपने दुनिया में अरबों खरबों की मार्केट है एक आदमी एक बच्चा एक बच्ची ये लिखने की साहित पैदा करके आपके ख्याल में एवरेज कितना लोग असल में लोगों के अंदर हमारे मुल्क एक अलमियाँ है उनकी ये जब तक उनको ये मालूम नहीं चले ना इसे कमाएंगे कितने उस काम में कुत्ते नहीं है आपका क्या वो है कि कितने पैसे जो है महीने के इस काम से कमा सकता है एक वैसे कम से कम एक व्यक्ति में एक, एक आदमी का जिंदा मिसाल बता देता हूँ वो एक थर्ड वर्ल्ड का लड़का है और वो जब फार्मसी करके निकलता है उन्नीस पचानवे के बाद तो उसको पहली जॉब मिलती है अठारह सौ रुपए की ठीक है अठारह सौ रुपये महीने की जॉब फिर इन्हीं हालात से गुजरता है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक प्रोग्राम होता है वो उसको हायर करती है एज ए कंसल्टेंट वो बेचारा समझता है ठीक है मिल जाएगा जो भी वो जब काम मुकम्मल करके आता है तो उसे उस ज़माने का पता लगता है कि तीन हज़ार सात सौ डॉलर पर पर डे दिया गया है जो कि चार घंटे तीन हज़ार सात सौ यू डॉलर तीन हजार डॉलर पर डे तीन हजार सात सौ यू डॉलर उसको पर डे दिया गया है और ये मैं आज से दस रुपए बात बता रहा हूँ वो बंदा नाइनटी फाइव का पास आउट है देखिये उसको भी नहीं पता था कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे दुनिया जो पैसे हैं दुनिया के ना वो आपकी वैल्यू के ऊपर है आप क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और दुनिया खुल आप पैसे के पीछे ना भागिए पैसा मतलब हैरत अंगेज लोगों के पास पैसे के रस्ते खुले हुए ये जो दवा है एक दवा इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर होता है या जिसका चीफ साइंटिफिक ऑफिसर होता है इनकी अनबिलीवेबल तनख्वाहें होती हैं अनबिलीवेबल अर्निंग होती है अच्छा ये इसको बिल्कुल सेकेंडरी स्टेज पर रखते हैं पैसा पीछे भाग रहा होता है इतना वर्क पैदा कर लें सर इतना कमांड पैदा कर लें कि ये जो किचन का मामला है ना कुछ भी नहीं रहेगा ये तो ये जो हम लगे हुए हैं ना ये अस्सी हज़ार एक लाख रुपये में एक बार सीख जाए पढ़ना ये फार्मसी जो है ना सिर्फ फार्मसी बाहर जो पढ़ाई जाती है वो पाँच छः करोड़ की पड़ जाती है तो आप उनको सिर्फ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें उनको सिर्फ काम सिखाना शुरू कर दें आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए सही पढ़ना पड़ेगा ये जो देखिए ना आपके अगर मैं, मैं एक डायरेक्टली अगर कर, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो एम बी बी एस है जिन्होंने डी फॉर्म किया हुआ है मैं डायरेक्टली टाउन कर रहा हूँ उसके पास देखिए अब अब अमरीका लंदन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं जी अगर वसूस ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं यस क्यों नहीं पढ़ा रहे वो और कितना पैसे कमा रहे वो वो मुंह कीमत कमाए देखिए ना वो वहाँ बहुत सस्ता है अब वो आ, उनकी जब रात होती देखिए जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं वो मेहनत करके पढ़ रहे होते हैं उनको रात को पढ़ना होता है और आप क्या दिन हो रही होती है आराम से एक बहुत आसान सिस्टम है बहुत सारे काम करने का अब आ, अपना अपना इंटरेस्ट है जिसको पैसा कमाना उसके लिए पैसे के गस्ते खुले हुए इफ़ यू नो इंग्लिश इफ़ यू नो उर्दू इफ़ यू नो फार्माकोलॉजी इफ यू नो फार्मास्यूटिक्स आप उसका बच्चे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ मैं आपका काम कर देता हूँ मैं मैसेज कर देता हूँ तो खुली हुई है एक और बात भी है ये जो हमारी जामियात हैं इनके जो प्रोफेसर हैं भाई यहाँ पर तो अब तक नक्ति लड़ रहा है इफ़ यू हैव एबिलिटी जस्ट गो टू कंप्यूटर आज दी यूनिवर्सिटी की जी मुझे भेज दीजिए ये कोर्स मैं करा देता हूँ आप हम खाम में ये कोर्स जो है दो हज़ार डॉलर का करवा रहा है मैं दो सौ डॉलर में करा देता हूँ तो मगर आपको पढ़ना पड़ेगा आपको जानना पड़ेगा आपको समझ में आना पड़ेगा उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी इम्तहान पास करना ये तमाशा खत्म हो गया कि मैं जानता बहुत कुछ हूँ प्लीज़ सिट इन द एग्जाम एंड क्वालिफाइड एग्जाम में कॉलेफ़ा करना पड़ेगा जिस टेबल के ऊपर पढ़े लिखे लोग बैठे वहाँ बैठ अपनी जगह बनानी पड़ेगी ये नहीं है कि आपने चाइनीज़ को शायरी सुना दी और लोगों ने तलीम बजा दी केमिस्ट्री का सेमिनार हो रहा है बॉटनी के बच्चे बैठे हुए तो भाई वो बजाएंगे बॉटनी वाले को समझ समझने क्या है उस मौजूद के लोगों को बैठाइए जिस मौजूद के लोग तो आपकी मतलब ये है कि इस पर दुनिया जो है वो अरबो रुपये की मार्केट है अगर पाकिस्तान के बच्चे अपनी सुदात पैदा करें तो उससे वो और साहयत पैदा करें और इसमें सबसे अहम बात लिखने की साहयत लाखों रुपए महीना जो है वो बहुत आसानी के साथ कमा सकते हैं बल्कि पैसा उनका करेगा जिस तरह पड़ोस में कर रहा है ना आप क्या पोजिशन इंडिया की तो तो वो कैसे मैं अगर ये कहूँ कि जो भी डेवलप कंट्री में दवाओं की ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट के हवाले से इंटेलेक्चुअल की कंट्रीब्यूशन है वो थर्टी परसेंट है इंडिया ले जाता है स्टूडेंट कंट्रबूशन उन्हीं की है ना सर उन्हीं किए हर जगह है और पाकिस्तान जीरो है नहीं पाकिस्तान जीरो तो नहीं है पाकिस्तान के लोग हैं वो अपना अपनी शरात नहीं करवाते शरात उनकी उसी में मर्ज हो जाती है तो वो मिला लीजिए तो फाइव परसेंट हमारा भी है ऐसा नहीं है हमारे लोग नहीं है लेकिन हमारे लोग वहाँ जाकर मिक्स हो जाते हैं वो तो यहाँ लेकिन इनका एक नया तमाशा हुआ हुआ है इनका सारा पैसा यहाँ आ रहा है इन्होंने यहीं ऑफिसे खोले हुए हैं इंडिया में इंडिया में कम से खोले तो इंडिया इसकी में अरबों खरबों रुपये अपने मुल्क में मुंतकिल कर रहा है इस बिलियन ऑफ डॉलर ये पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकते हैं अगर और इसमें कौन सी सतह पे जो है वो अपना गैर संजीदगी स्टूडेंट की सतह पे गवर्नमेंट की सतह पे या इदारों की सतह पे गैर संजीदगी की बात नहीं है अहलीत की का मामला है नीयत का मामला तो इदारे आपको अहल नहीं बना रहे हैं तालीमी है नहीं तो हमारी जो इंटरपेन्योर है वो भी तो अहल नहीं है ना सर एक ही कंपनी वहाँ पे भी थी एक ही कंपनी यहाँ पे भी थी एक ही कंपनी के दो शाखें एक वहाँ पे थी वो कंपनी इस वक्त जो है वो फर्स्ट कर लीजिए फाइव बिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है आप तो कुछ भी नहीं है आप तो सब मिला के भी फाइव बिलियन के नहीं है ठीक हो गया तो बस भाई और कुछ आप तालब इलम के लिए खासतौर पर जो ओ लेवल और ए लेवल के स्टूडेंट हैं ओ उनको... ए लेवल के बच्चों के लिए तो बहुत मजे हैं क्योंकि तो अमेरिका में जो चीज़ें ए लेवल से करवाई जाती हैं यहाँ पर वो फार्मसी एम एस सी करवा के करवाई जाती तो आप ओ लेवल और ए लेवल के बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे उनको क्या करना चाहिए नहीं ए, ए, ओ ए लेवल के बच्चों ने एक नया मसला शुरू किया हुआ है शॉर्टकट कट शुरू किया हुआ है कि वो सिर्फ शॉर्ट कोर्स कर लें और वो उसकी वजह से वो आगे जाके मुश्किल के शिकार होंगे उनकी ग्रेविटी ऑफ़ द नॉलेज है ना वो रुक जा रही है ए लेवल के बाद क्योंकि वो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं वो तीन साल का कोर्स कर रहे हैं पाँच साल का कर रहे हैं इन्हें साइंस की के अंदर डाइव लगाना पड़ेगा और मैं हर बच्चों से सिखाऊंगा कि तीन वाइश हर जगह तीन वाई रूल लगाएं कि क्यों क्यों और क्यों डीप डीपर एंड डीपेस्ट हर चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करें किसी भी मौजूद के ऊपर है डिग्री है या नहीं है उस मौजू की डाइव में वो तीन वाई को सॉल्व करें और वही तरीका होगा क्योंकि ए लेवल के बच्चे और ओ लेवल के बच्चे बहरहाल इन बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि उनको ट्रेन इस तरह किया गया है अब ये बच्चे भी स्मार्ट हो सकते हैं और हो हैं भी ये बच्चे लेकिन ये बाई ट्रेनिंग ये रीजनिंग वाले बच्चे हैं उनके मुकाबले में जहाँ पर वो सवाल जवाब रट के याद किया जा रहा है तो मैं ओ ओवलेवे बच्चों को बड़ा कैटागोरी करूँगा और ये बच्चे अपनी जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के लिए शुरू से क्या काम करें ये बच्चे हम ये शुरू से कर रहे हैं इन्हें पता नहीं है बच्चे हमसे तेज हैं ये बच्चे आज स्टैट्स जानते हैं ये बच्चे फोरकास्ट करते हैं ये बच्चे अनसर्टनिटी को देखते हैं कि क्या क्या खैर यनी कैफियत है ये बच्चे समझते हैं कहाँ कहाँ पर खदशात मौजूद हैं ये बड़े तेज़ बच्चे हो गए क्योंकि ये इसके साथ डेवलप हो रहा है मगर इस वक्त ज़रूरत है कि हम इन पे नजर रखें इन्हें सिर्फ ये बताएं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ आपको आगे बढ़ाऊँ अच्छा आखिरी सवाल ये है कि मुस्तबिल की दुनिया में जो मेडिकल की एजुकेशन क्या होगी जो हाँ हम मेडिकल में हम मेडिकल uh, भी है फार्मेसी भी है माइक्रोबालॉजी भी है बॉटनी भी है और इससे मुतल है जितने फिजियोलॉजी हो जो सब्जेक्ट है तो क्या होगी और हमारी क्या होनी चाहिए हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए मुस्तबिल के लिए एक तो अगर अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के की बात की जाए तो गवर्नमेंट को तो फौरी तौर तो पर एमरजेंसी लगानी चाहिए फर्स्ट क्लास एमरजेंसी लगाए और एक बद बत, बदतरीन ऑपरेशन करें कि भाई क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं उसको सर्ट आउट करें आपने बेढंगी के हिसाब से जो है फार्मसी पढ़ाए चले जा रहे हैं फर्स्ट कर लीजिए फार्मेसी हो केमिस्ट्री हो मेडिसिन हो अच्छा और एक तो गैर मीयारी पढ़ा रहे हैं ऊपर से वो पढ़ा रहे हैं उसने बाद में क्या करना है हमें पता ही नहीं है कांची में कंपनियाँ सौ फार्मेसी का कंपनी है आपने कांची से फार्मसी निकल रहा है वो एक हज़ार निकल रहा है तो जाएगा क्या वो किसी ने सोचा ही नहीं नहीं वो नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा फिर नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो उससे माश्चर को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा हमने फैसल भाई जो तालीम और रिसर्च पर जो ख़र्च किया है ना वो सिर्फ इसलिए किया है डिग्री मिल जाए ये उसको एम हो जाए इसको फिर मैं लेक्चरार लगवा लूँ फिर मैं इसको इलेक्शन लड़वाऊँ यूनिवर्सिटी के में अंदर फिर वो सिंडिकेट में चला जाए फिर वो मुझे प्रोटेक्ट करे फिर जैसे ही मैं रिटायर हूँ ये मुझे फिर रखें पूरी जो आपका जो विजडम है वो स्ट्रा डिजाइन हुआ हुआ है आप मई के आखिर में कहते हैं कि पैसा बच गया है तो ले आओ रिसर्च प्रपोजल ले आओ और सब लोग गुजरना शुरू हो जाता है ये साइंस की खिदमत नहीं हो रही आप बदतरीन तरीके से साइंस को नुकसान बचा रहे हैं आखिर जो साइंटिफिक काम हो रहा है इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप अपना डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी देख लीजिए बिलियनस ऑफ रुपीज़ का काम हो रहा है आप उनसे पूछें कि का काम क्यों कर रहे हैं पब्लिश करवाने के लिए काम क्यों कर रहे हैं टीचर लेने के लिए किसी को ये नहीं पता कि इस काम की ज़रूरत है भाई इस काम करेंगे तो लांडी वाले बंदे को ये फ़ायदा पहुँच जाएगा कॉलिंग वाले रोड को ये फ़ायदा पहुँच जाएगा साइंस के अंदर भी इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की हुई मरीज़ हमारे पास बेताश है तो इसके लिए बच्चों को चूंकि बच्चों को इस माशरे में रहना है उनको पास करना है डिग्री लेनी है तो बच्चे चुपचाप डिग्री ले। लेकिन जो पढ़ने का जो मामला है उसमें ये समझ लेंगे जो पाँच साल लगाया अपने एम एस सी करने में फारसी करने में या माइक्रोबायोलॉजी बायोजी और बायकोस्ट्री करने में मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास इतने सारे इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे थे कोविड का वाक्य आया हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने हमारे मालिक बायोलॉजिस्ट ने हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने हमारे जोलॉजिस्ट ने हमारे बोटानिस्ट ने हमारे बायो ने हमारे फार्मसिस्ट ने हमारे मेडिसिन ने कोई खातिर खार रोल प्ले नहीं किया जो हमारी क़ोत है हम एटमी लोग हैं हमारे लोग दुनिया भर में प्रोफेसर हैं जो जहाँ से जाते हैं पढ़ते हैं पॉलिश होते हैं बन जाते हैं लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन हम सिर्फ फेल नहीं हुए हमने साबित किया कि हम जो है एब्यूज़ करने वाले हैं तो लोगों को ख़ुद पढ़ना पड़ेगा और ख़ुद समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हमने डिग्री ली है ये डिग्री तक है असल पढ़ाई अब अपने करनी है हम बल होकर पढ़ना पड़ेगा बाकी आखिरी बात यह है कि आपने भी आठ दस शोबों के नाम लिए इनमें मुस्तकबिल में सबसे अहम शोबा कौन सा है बायोटेक्नोलॉजी हो गया एम बी हो गया डी फॉर्म हो गया माइक्रोबायोलॉजी हो गया में सबसे आपके ख्याल में सबसे अहम तरीन शोबा मुस्कबिल का कौन सा होगा अच्छा फिर शुभ मैं वैसे लोग नाराज़ होते हो तो हो, आपसे मैं शेयर करूँ उससे अंदाजा हो जाएगा शोबा कौन सा अहम है दुनिया में जो लोग रूल कर रहे हैं ना उनकी टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं हारवर्ड हो गई आपकी ऑक्सफर्ड हो गई स्टैंडफोर्ड हो गई जॉन हापकिन हो गई इन सब यूनिवर्सिटियों में फार्मसी नहीं पढ़ाई जाती ये सोचने की बात है मेडिकल पढ़ाया जाता है नर्सिंग पढ़ाई जाती है क्योंकि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ लीडर रोल प्ले करेगी साइंस को साइंस इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरी तरफ देखिए आपको नोबल प्राइज़ कहाँ से मिल रहा है मोल बायोलॉजी से नोबल प्राइज़ कहाँ से मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी से नॉबल प्राइज़ आपको एम बी बी एस में नहीं मिल रहा नोबल प्राइज़ आपको बेसिक फार्मेसी में नहीं मिल रहा तो जो जो दुनिया की फिर चीफ चीख कह रही है कि आने वाला दिन सिर्फ मलक्योर बायोलॉजी का है आने वाला दिन बायोटेक्नोलॉजी का है बल्कि आ चुका है ये दिन और इस चीज़, चीज़ के कह रही है कि आप बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो इनको जो सपोर्ट हासिल होगी इनको जो अम्ब्रेला मिलेगा या इनके अंदर जो चीज़ें इन्ग्रेवड होंगी वो है डाटा साइंस वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है तो हैबिल के डॉक्टर नहीं करेंगे डॉक्टर ही करें अगर आपने पैसे कमाने नहीं कमाएल आपके ख्याल में डॉक्टर नहीं करेंगे डॉक्टर का जो रोल है वो तो रहेगा जब भी इंसान का रोल रहेगा लेकिन चैलेंजेस डॉक्टर के पास बहुत बढ़ जाएंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर चली जाएंगी ऑनलाइन uh, मतलब uh, uh, टेक्नोलॉजी पर चली जाएंगे अब रेबोटिक दौर है ना अब आपको सर्जरी हाथ से थोड़ी करवानी है अब आपको डायग्नोसिस हाथ से थोड़ी करवाना है अब आपने सर्जरी उसको तो लगा के थोड़ी सी चेक करना है अब तो हमें सब आवाज़ आ रही है चीज़ें मिली हुई हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई है अब हमें थोड़ी डाना है और एक्सरे करना है बस इनमें वैसे ही कर लेनी है तो अब तो डाटा वाटा सब आ रहा है कनेक्ट होता जा रहा है हम तो पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं हमें तो आइंदा दिनों में ये भी पता होगा कि ड्रग टेबलेट आपको दी थी वो पेट में किस हिस्से में है ब्लड में कितनी पहुँची कितनी नहीं पहुँची जो पहुंची उसने कितना काम किया कितना काम नहीं किया नहीं तो आपके ख्याल तो तो में अब डॉक्टर एम का किरदार महदूद होगा और बायोटेक्नोलॉजी का किरदार मुस्तबिल में नहीं आज महसूस बायो टेक्नोजी के किरदार को आप भी सप्लाइन नहीं कर सकते आपका पूरा मेडिसिन जो बेस करता है वो डायग्नोसिस पे बेस करता है और डायग्नोसिस की जो बेसिस हैं वो आपकी फ़िज़िक्स है उसकी बेसिस जो है माइक्रो वो, वो बायोटेक्नोलॉजी वो है बायोलॉजी है दूसरी तरफ डॉक्टर का जो किरदार बेस करता है दवाइयों में बेस करता है तो इन दोनों के दरमिया है ना डायग्नोसिस के दरमैन और ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट में वो फार्मसी मौजूद है यहाँ पर वो बायोलॉजी वाले मौजूद हैं और बायोटेक्नोलॉजी वाले मौजूद थे और कुछ कहना चाहिए नहीं बहुत शुक्रिया फैजल भाई आपने बहुत अहम मामले को और बहुत गर्म मामले को आइडेंटिफाई किया भाई हमारे साथ थे ये बता रहे थे कि इस वक्त दुनिया में अरबों खरबों रुपये की मार्केट है वो मार्केट आपकी जो है मंतज़िर है आप सिर्फ अपने अंदर सलाहियत पैदा करें तो ये पैसे जो है वो आपका 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 तहक़ुब करेंगे पैसा आपका तौब करेगा इस मार्केट का तीस फीसद हिस्सा जो है वो भारत हंसते खेलते रह जाता है और हम जो है शक्ल दिखते जाते हैं तो अगर हमारे बच्चे अगर लिखने पर पढ़ने पर नई चीज़ें सीखने में तोज्जह दें तो वो घर बैठे भी जो है अपने माशी हालात बेहतर कर सकते हैं बहुत शुक्रिया अलग